हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास नर्सरी मैथ सिलेबस। तो मैथ में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट। इसमें हम बच्चे का जो बेसिक मैथ है वो हम कवर करेंगे, जैसे बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट कि दोनों में क्या डिफरेंस है, टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है, अपर डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, देन इन आउट फ्लोट एंड सिंक, ये सारे बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये सारे जो भी टॉपिक है वो सारे क्लियर होते हैं। सेकेंड है हमारा काउंटिंग 1 to 50। नर्सरी क्लास में 1 to 50 कराया जाता है स्कूलों में, कुछ स्कूल 1 to 20 कराते हैं, वो डिपेंड करता है। इसमें ओरल और रिटर्न दोनों चीजें की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो पहला हमारा आता है ट्रेसिंग, जिसमें नंबर को ट्रेस करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। देन लुक एंड राइट, जिसमें बच्चा देख के लिखता है। देन है आपका काउंट एंड राइट नंबर, इसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है, बच्चे को काउंट करके लिखना होता है। व्हाट कम्स आफ्टर, इसमें बाद वाला नंबर लिखते हैं। व्हाट कम्स बिफोर, इसमें पहले आने वाले नंबर लिखे जाते हैं। काउंट एंड मैच, काउंट करके नंबर से मैच करना होता है। काउंट एंड कलर, काउंट करके जो ऑब्जेक्ट वहां ड्रॉ होता है उसमें कलर फिल करना होता है बच्चे को। देन काउंट एंड ड्रॉ, काउंट करके कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ करना होता है। फिल मिसिंग नंबर, देन हम फिल मिसिंग नंबर कराते हैं। और देन सर्कल द ऑड वन, जो चीजें ऑड है, जो अलग है, डिफरेंट है, उसको सर्कल करने के लिए बच्चे को दिया जाता है। लास्ट है हमारा शेप्स मैचिंग। नर्सरी क्लास में बेसिक बच्चों को 4 शेप्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। चलिए इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट था वो है ट्रेसिंग द नंबर। इसमें बच्चे को आपको नंबर ट्रेसिंग वाले फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में देना है और बच्चे को बोलना है इसे क्या करना है, बच्चे को ट्रेस करना है। इसके लिए आप बच्चे को क्रेयॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा अर्ली एज में है तो क्रेयॉन्स जब आप देते हैं वैक्स क्रेयॉन, तो बच्चे की होल्डिंग ग्रिप बनती है। तो आप स्टार्टिंग में कोशिश करें कि बच्चे को क्रेयॉन्स दे, जब बच्चा अच्छे से होल्ड करना सीख जाता है तब आप उसे पेंसिल दें। तो आपको बोलना है कि इसे ट्रेस करो। 1, जब बच्चा कुछ ट्रेस करता है उसे बोलना है। 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड जो हमारी एक्टिविटी है वो है लुक एंड राइट द नंबर। इसमें बच्चे को नंबर देखना है और उस नंबर को लिखना है। जैसे नंबर 1 है तो यहाँ पर लिखना है नंबर 1, और नंबर 2 है तो यहाँ पे लिखना है नंबर 2। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है काउंट एंड राइट नंबर। इसमें क्या करना है, सिंपली ऑब्जेक्ट होता है। इस वाली एक्टिविटी को कराने से पहले आप बच्चे को कुछ इस टाइप के कलरफुल कलर्स दे सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि इसे काउंट करके बताना है कि कलर कितने हैं। जब बच्चा अच्छे से काउंट कर लेता है फिर आप ये एक्टिविटी देंगे, जिसमें बच्चे को क्या करना है, काउंट करना है। हाउ मैनी स्टार्स, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ बच्चे को लिखना है 5। हाउ मैनी मून्स, 1, 2, 3, 4, 4, तो यहाँ पर सिंपली लिखना है 4। द नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है व्हाट कम्स आफ्टर, यानी 1 बाद में आने वाले नंबर्स को लिखना। व्हाट कम्स आफ्टर 1 इज 2, व्हाट कम्स आफ्टर 3 इज 4, एंड व्हाट कम आफ्टर 4 इज 5। तो ऐसे बच्चे को आपको देना है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है व्हाट कम्स बिफोर, यानी पहले आने वाले नंबर्स को लिखना। लाइक 2 से पहले कौन सा नंबर आता है 1, 4 से पहले कौन सा नंबर आता है 3। देन नेक्स्ट है हमारा काउंट एंड मैच। काउंट एंड मैच भी सेम है, बच्चे को सिंपल ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ होते हैं उन्हें काउंट करके मैच करना है। लाइक 1, 2, 3, 4, 4 फ्लावर्स है तो नंबर 4 कौन सा है, दिस इज नंबर 4। हाउ मैनी बॉल्स, 1, 2, 3, देन मैच नंबर 3। देन हमारे जो एक्टिविटी है वो है काउंट एंड कलर। इसमें बच्चे को आप क्रेयॉन्स दे दीजिए और उनसे बोलिए नंबर 3 है तो 3 जो है यहाँ पर 3 ट्रीज को बच्चे को सिंपली क्या करना है, कलर करना है। नंबर 5 है तो 5 बॉल्स को क्या करना है, कलर करना है। इससे बच्चे की जो रिकॉग्नाइजिंग होती है नंबर को लेके, आइडेंटिफिकेशन होती है इन सारी एक्टिविटीज से। नेक्स्ट है काउंट एंड ड्रॉ। काउंट एंड ड्रॉ बच्चे को आप सिंपली सर्कल ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं। कितने नंबर हैं बच्चे से पूछना है, 3, तो उसे बताना है कि नंबर 3 यहाँ पर ड्रॉ करना है। नंबर 4, नाउ ड्रॉ 4 सर्कल। नंबर 5, तो ड्रॉ 5 सर्कल्स। नेक्स्ट जो हमारी है वो है टॉपिक है फिल मिसिंग नंबर। जब बच्चा रिकॉग्नाइज करना नंबर सीख जाता है तब वो अपने आप ये जो है फिल मिसिंग नंबर ये आराम से ये कर लेता है ये क्वेश्चंस। लाइक 1 के बाद क्या आता है,
थ्री के बाद फोर देन फाइव। नेक्स्ट हमारा है सर्कल द ऑड वन। ऑड वन यानी जो चीजें अलग होती हैं ग्रुप में उसे अलग करना। लाइक इस लाइन में क्या है, वन 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 है, तो बच्चे को बताना है वन 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 है लेकिन जो थ्री है वो बिल्कुल अलग है, तो हमें क्या करना है, थ्री पे सर्कल करना है। दूसरे वाले में फाइव टू फाइव फाइव है, तो इसमें क्या है, टू अलग है, तो टू पे हमें क्या करना है, सिंपली सर्कल करना है। नेक्स्ट है हमारा शेप मैचिंग। बच्चे को जब भी आप शेप्स इंट्रोड्यूस कराएं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि मैचिंग की फॉर्म में दें। मैचिंग बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं करना, तो आप उन्हें बताया दिस इज ट्राइंगल, तो वेयर इज ट्राइंगल, ट्राइंगल विच शेप इज दिस, स्क्वायर, तो स्क्वायर से मैच करना है, सर्कल, सर्कल एंड दिस इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से मैच करना। तो ये सारे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आज है नर्सरी का सिलेबस। अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आने वाले टाइम में मैं नर्सरी से सिलेबस जो हिंदी इंग्लिश ईवीएस के सिलेबस से मैं आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।